हेलो, आई एम रूबी और आपका स्वागत है कुकिंग विथ रूबी में। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन भुना। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकती हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, जिसको मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है। 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसको मैंने चॉप्ड करके रखा है। 2 टमाटर, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप्ड कर लिया है। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम दही, 4 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल लिया है, कुछ खड़े गरम मसाले जिसमें 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। सूखे मसाले में हमने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक लिया है। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए मैंने 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर इसमें डाला है, दही डाला है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। नमक डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मैरिनेट होने के लिए, चिकन को मैरिनेट होने के लिए 30 मिनट तक छोड़ देंगे। हम चिकन को कुकर में बनाएंगे। कुकर में बनाने से ये झटपट बन जाता है। कुकर गर्म होने के बाद हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपने सारे खड़े गर्म मसाले को डालेंगे और 2 मिनट तक हम इसे सॉटे करेंगे। अब हम इसमें प्याज को डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगा है। ये देखिए, बस हमें इसी स्टेज तक गोल्डन ब्राउन करना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और चलाएंगे। अब हम इसमें सारे सूखे मसाले को डाल देंगे और अच्छे से भुनेंगे। इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, चलाएंगे और इसे ढककर 5 मिनट के लिए टमाटर गलने तक पकाएंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुका है, हमारा टमाटर और प्याज अच्छे से भुन चुका है, सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मैरिनेट किए हुए चिकन को डालेंगे। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें चिकन को अच्छे से भुनना है, जिसके लिए हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारा चिकन भुनने लगा है। हमें चिकन को अच्छी तरह से भुनना है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम चिकन भुना रखा गया है। हमने इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाला है, अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फिर एक बार इसे ढककर भुनेंगे।
ये देखिए अब हमारा चिकन अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी ज़्यादा या कम डाल सकती हैं, लेकिन इसका नाम चिकन भुना है और भुने में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, इसलिए मैंने आधा कप पानी इसमें डाला है। और लीड लगाकर हम इसे 3 सीटी आने तक पकाएंगे। चलिए अब हम अपने कुकर को खोल के देखते हैं। देखिए हमारा चिकन बनकर तैयार है। चिकन अच्छी तरह से गल गया है। चिकन ऐसे ही बहुत जल्दी गल जाता है। 3 सीटी में हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई हरे धनिया को डालेंगे, मिक्स करेंगे और अब हमारा चिकन भुना बनकर तैयार है। आप इस तरह से चिकन भुना बनाकर देखें, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे नान पूरी या पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।